हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 2024 में भी दोस्तों बहुत सारा AEPS पिन कोड ब्लॉक हो चुका है। अभी तक लगभग मुल्क तो सभी पिन कोड में शायद हो सकती है थोड़ा थोड़ा करके बंद हो जाएगा। तो आज हम लोग दोस्तों कुछ पिन कोड लेकर आया है हमारा इस चैनल का तरफ से। अगर आप लोग इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा तभी आपको पता चलेगा हम लोग क्या बोलने वाला है आपको। तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाला है AEPS का ऊपर। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है, और अगर आप लोग दोस्तों AEPS से कोई ट्रांजेक्शन करता है, AEPS ग्राहक सेवा केंद्र खोल के रखा है, AEPS से मनी ट्रांसफर करता है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सूचना है। अगर आप लोग इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा तो जानकारी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरा जानकारी देने वाला हूँ, तो इसीलिए दोस्तों मैं पूरा तैयार होकर दोस्तों आ चुका हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ हमारा इस यूट्यूब चैनल की तरफ से, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत दिन से लाइव फेस वीडियो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अभी घर पर नहीं हूँ, दूसरा जगह में हूँ। वो तो घर से थोड़ा बाहर गया काम का ऊपर, ठीक है। मैं अभी एक शॉप में दोस्तों काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि अभी पैसा का जरूरत है उस लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकती है, हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, गूगल क्रोम कोड लेना है। गूगल क्रोम में हमको जाना है और यहाँ पे हमको लिखना क्या है दोस्तों, AEPS पिन कोड क्यों ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले इंट्रोडक्शन कर दूँ AEPS ब्लॉक का ऊपर। दोस्तों मेरा ऑलरेडी वीडियो है, मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी पोस्ट है। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो NPCI से दोस्तों जो पिन कोड ब्लॉक हुआ था, उस पिन कोड का नाम और पिन कोड का एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, पिन कौन सा पिन कोड ब्लॉक हुआ है, सब कुछ हमको पहले जान लेना, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग दोस्तों कोई कस्टमर का ट्रांजेक्शन करेंगे और हमारा पिन कोड में ब्लॉक है, तो हम हर टाइम दोस्तों विड्रॉल करने के लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों फेल बताएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा पिन कोड में दोस्तों क्या होता है ना, AEPS तो बंद हो चुका है, लेकिन उसका अभी भी उसके पास आईडी है और रिचार्ज बिल पेमेंट सब कुछ काम करता है, ठीक है। लेकिन जब भी वो बैलेंस विड्रॉल करने के लिए जाता है तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल बताएगा, और भी 91 फ्रॉड, सब्सक्रिप्शन फ्रॉड, इस तरह बताता है। लेकिन हम आपको दोस्तों पूरा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन सा पिन कोड में ब्लॉक है, वो आपको जान लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है यार, आप लोग चुपके हैरान हो जाएगा और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा, सुपर को बोलेगा, भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा पैसा नहीं निकल रहा है, और बहुत तरह तरह के दोस्तों बात होता है। तो यहाँ पे हम लोग गूगल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों AEPS ब्लॉक पिन कोड लिस्ट। दोस्तों हम लोग क्या लिखा है, AEPS पिन कोड ब्लॉक लिस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सामने इस तरह इंटरफेस खोल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है digitalasokstore.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह डाउन करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकती है, हम लोग 2023 में अपडेट दिया था, जो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं digitalasokstore.com, ठीक है। ये दोस्तों हमारा मेन पेज है, इसमें अगर आप लोग फॉलो करेगा, इसमें आप लोग देखेगा तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, पूरा फाइल मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो कौन सा पिन कोड में क्या है नहीं है, सब कुछ आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों पता नहीं है तो हमारा वेबसाइट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है digitalasokstore.com, वहां पे जाके आप लोग देख सकती है। तो चलिए हम लोग AEPS के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा खुद का वेबसाइट में जाएंगे, कोई आरागड़ा वेबसाइट में नहीं जाएंगे। आ गया है दोस्तों हम लोग ऑलरेडी, आप लोग भी आ जाना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट में क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर लेना है। डेस्कटॉप मोड करने में क्या होता है दोस्तों, आपका जो डिटेल्स होगा पूरा छोटा छोटा करके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग पढ़ सकती है, AEPS ब्लॉक 2023 NPCI आधार कार्ड से विड्रॉल स्टॉपेट इन बोल के बता दिया NPCI। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ आर्टिकल दिया हूँ, तो हम लोग नीचे डाउन करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन शॉट देख पा रहा है, ठीक है। तो हमको स्क्रीन शॉट देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको स्क्रीन शॉट नहीं देखना है, हमको PDF डाउनलोड करना है। आपको सब पता होगा दोस्तों, बहुत सारा यूट्यूब में दोस्तों क्या होता है, बोलता है लेकिन वो PDF वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन दोस्तों मैं खुद बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं खुद पोस्ट किया digitalasokstore.com, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पोस्ट। चलिए हम लोग यहाँ बैक करेंगे और फिर से यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे इस जगह में। आने के बाद दोस्तों चलिए सॉरी, यहाँ पे हम लोग जाएंगे पहले, और यहाँ पे आ गया है AEPS ब्लॉक में। आने के बाद यहाँ पे हम लोग नीचे डाउन करेंगे इस तरह गाइस। जब दोस्तों हम लोग इस तरह डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमको एक डाउनलोड करने का दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा, हमारा जो फाइल होगा उस फाइल डाउनलोड करने के लिए दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग इस तरह देखेंगे कहाँ पे मिलेगा आपको, पूरा डिटेल्स में आपको बता देंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से बैक कर लेता हूँ, क्योंकि हमको देखना है फाइल हमको कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे और भी एक फाइल में जाएंगे, जैसे कि मेरा जो खुद का वेबसाइट है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि दोस्तों मेरा digitalasokstore.com मेरा खुद का वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी फेक वेबसाइट भी नहीं है, और मैं किसी का वेबसाइट में जाके देख नहीं दिखाऊंगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे जाके दोस्तों जो पीडीएफ हमारा है दोस्तों पीडीएफ की डाउनलोड कर सकती है यहाँ से। तो सबसे खास बात दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल की तरफ से दोस्तों आपको जो मिल रही है ना ये दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों हम लोग फिर से एक आर्टिकल में आ गया है। यहाँ पे हम लोग इस तरह डाउन करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कुछ पिन कोड टाइपिंग है तो हम लोग नीचे डाउन करेंगे इस तरह। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है सैंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। जब दोस्तों डाउनलोड बार में क्लिक करेगा तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह में क्लिक करूंगा। अभी दोस्तों मेरा पीडीएफ इस तरह डाउनलोड में आ जाएगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले जो हमारा ये होगा दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पे काट देता हूँ इसको क्योंकि मैं नहीं करूँगा, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आप इस तरह डाउनलोड कर सकती है, आपको ईमेल आईडी से वेरीफाई कर लेना, बस आपका हो जाएगा काम। तो आप इस तरह पीडीएफ डाउनलोड कर सकती है, जो हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक बोलो पेटीएम पेमेंट में जो भी कंपनी का दोस्तों यूपीएस यूज कर रहा है, बहुत जगह में पिन कोड दोस्तों ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो मैं नाम नहीं बोलूंगा दोस्तों, इंडिया में बहुत सारा पिन कोड है। तो चलिए वीडियो देने का धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा हैव अ नाइस डे।